बोर्ड पर देखो, यहां एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड। यह वैकेंट स्पेस को कहा जाता है। वैकेंट स्पेस कहने का मतलब, चाहे आप किसी भी तरीके का क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करो, जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। गौर से देखो, यहां पर ये जगह खाली बचा हुआ है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये जगह खाली बचा हुआ है। उसी तरह से इस वाले अरेंजमेंट में भी ये जगह खाली बचा हुआ है। तो किसी भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो वैकेंट स्पेस, जो बचा हुआ स्पेस रहता है, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। क्लियर हुआ डेफिनेशन? द वैकेंट स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेस बचा रहता है, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। और ये इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड दो तरह का होता है, एक को टेट्राहेड्रल कहते हैं और दूसरे को ऑक्टाहेड्रल। जैसे आप इमेजिन करो, अभी आप बताओ तो ये वॉइड जहां पर हम मार्क किए हैं, ये कितने एटम को टच कर रहा है? कितने को टच कर रहा है? तीन को। तो यहां पर अगर इसी तरह से क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में अगर कोई कंस्टिट्यूएंट इस तरीके से है, तो अभी यहां पर ये कितने को टच कर रहा है? तीन को। अब आप इमेजिन करो कि इसके ऊपर में एक और हम एटम डाल दिए, बेस पर ये तीन था, इसके ऊपर में एक और डाल दिए, तब ये कितने को टच कर रहा है? चार। तो वैसे कंडीशन में जब ये फोर को टच करेगा, इसके ऊपर में एक और एटम डाल दिए, तो इस तरह के वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। डेफिनेशन आया? द इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड विच इज सराउंडेड बाई फोर कंस्टिट्यूएंट एटम इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और वहीं अगर कंस्टिट्यूएंट सिक्स से घिरा हुआ, सर सिक्स से कैसे घिरा रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अभी ये कितने से घिरा हुआ है? तीन। अब इसके ऊपर में जो दूसरा लेयर डाल रहे हैं, वो ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं। देखो तो तीन ग्रीन वाला था और तीन कौन सा आ गया? येलो। तो इस तरह के वॉइड को, यहां जो वॉइड आया है, उस वॉइड को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो सिंपल डेफिनेशन, अगर फोर एटम से घिरा हुआ हो तो टेट्राहेड्रल, और सिक्स एटम से घिरा हुआ हो तो ऑक्टाहेड्रल। और किसी भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में, चाहे वो स्क्वायर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हो, सब में टेट्राहेड्रल भी प्रेजेंट होता है और ऑक्टाहेड्रल भी प्रेजेंट होता है, दोनों का दोनों प्रेजेंट रहेगा। ये कितना नंबर रहेगा? वो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा। किसी भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल वॉइड भी होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर एटम्स के नंबर का जस्ट डबल होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर एटम्स के बराबर में होगा। यानी कि अगर टोटल वॉइड पूछा जाए तो कितना है? 3n। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा कि अगर मान लिया कि किसी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में 0.5 मोल्स ऑफ एटम्स हैं, 0.5 मोल्स है, एटम्स दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल होगा, तो अभी आपको क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल, इसलिए उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के बराबर ऑक्टाहेड्रल, इसलिए उसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे अगर हम लोग सोल्व करें तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 मोल। तो अब आप बताओ तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2n। तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 0.5, इट मीन्स 1 मोल। आप चाहें तो आप अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर बताओ आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। और वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल वॉइड कितना होगा, तो टोटल वॉइड कितने के बराबर? 3n। दोनों को या तो जोड़ दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर ही आएगा। 3 × 0.5, ये वैल्यू कितना आ गया? 1.5 मोल। बोलो समझ में आया? देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।